कुमाऊं की काशी के नाम से सुमार बागेश्वर नगरी बागेश्वर में 14 जनवरी 2024 से ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में लगने वाले धार्मिक पौराणिक व्यापारिक उत्तरायणी मेले नगर पालिका जिला प्रशासन और मेला समितियों ने मेले के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तरायणी मेले के लिए बागेश्वर शहर और बागनाथ नगरी रंग बिरंगी लड़ियों से सज चुकी है। ऐतिहासिक महत्व के उत्तरायणी मेले का शुभारंभ हो चुका है। मेले की शुरुआत तहसील परिसर से नगर भ्रमण नुमाइश खेत मैदान तक भव्य झांकी से हुई। इसमें रानी खेत आर्मी बैंड, पिथौरागढ़ मुंशियारी संस्कृति, दानपुर संस्कृति और विभिन्न स्कूलों की सांस्कृतिक टीमों द्वारा झांकी कार्यक्रम प्रस्तुत कर अलग अलग प्रांतों की संस्कृति से रूबरू करवाया गया। बागेश्वर के सुप्रसिद्ध उत्तरायणी मेले में मुख्य अतिथि सांसद अजय टमटा, बागेश्वर और कपकोट क्षेत्र के दोनों विधायक पार्वती दास, सुरेश गढ़िया, जिलाधिकारी अनुराधा पाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। उद्घाटन के इस भव्य समारोह को देखने नगर के प्रमुख मार्गों समेत नुमाइश मैदान में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। मैं सभी जनपद वासियों को प्रदेश वासियों को उत्तरायणी पर्व की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, सुख समृद्धि और देवों का वास हमारे धरा पर होता है, तो ऐसे ही सभी के घर में सुख शांति समृद्धि खुशहाली आए, यही सब कामनाएं करते हुए मैं सबके लिए हार्दिक बधाई मैं देती हूँ। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ सरयू और गोमती के संगम में आज से ही नहीं कई सैकड़ों वर्षों से उत्तरायणी का आयोजन तो होता है। हमारे पूर्वजों के द्वारा यहाँ पर व्यापार का और यहाँ पर धार्मिक मेला और आस्था का एक बड़ा केंद्र है। इस पावन पवित्र आज के मेले के शुभारंभ के शुभ अवसर पर सबको बधाई देता हूँ। जहाँ बागेश्वर का महत्व है, बागेश्वर के माध्यम से ही पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से रक्तहीन क्रांति का शुभारंभ हुआ 1921 में और स्वतंत्रता का बिगुल भी यहीं से फूंका गया, और इसलिए इस बगड़ के इस पवित्र स्थान में जो गोमती सरयू के तट के अंदर और अपने आप में ये और भी महत्व बन जाता है इस मेले के महत्व में, क्योंकि सरमूल जो सरयू गंगा निकलने का स्थान है, प्रभु अयोध्या के प्रभु राम के उस पवित्र स्थान तक उस नदी का जाना और प्रभु के चरणों तक पहुंचना, ये अपने आप में और भी सौभाग्यवान है।